ये हमारे पास सॉलिड चैप्टर के हमारे पास टॉपिक वाइज एम सी क्यूज उनसे दिए गए हैं, ठीक है। कुछ एम सी क्यूज हैं इसके। फर्स्ट, एक ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर जी हाँ। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक जो है ना, ये हमारे पास 6 है, 8 नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गए। बाकी देखो ना, इनसे आगे भी एम सी क्यूज बनेंगे। एलुमिनियम सीओ प्लॉट, एक एक एग्जाम्पल दे। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, जिंक कैडमियम है, इसकी एक एम सी क्यूज बना दे, तो ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अल्कली मेटल का बना दे, तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है हमारे पास। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, हेक्सागोनल का 12 है, बॉडी सेंटर का 8 है, सिंपल का भी हमने पीछे पढ़ा 6 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डे, तो वो डिक्रीज होती है, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हमारे पास। अब देखो, ये सिंपल का 6 है, बॉडी का 8 है, फेस का 12 है, हेक्सागोनल का, बट ये फेस के एग्जाम्पल में ये हमारे पास नहीं आते। ओके, एग्जाम्पल भी आप लोग को याद करनी है, तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन जो है ना खत्म होती है, ठीक है। ये एग्जांपल वगैरह सब याद कर रही है हमारे पास आते हैं। अभी हमने पीछे एमसीक्यूज भी किया है ना, उसमें आया हुआ था ये जिंक की एग्जांपल, ये सिल्वर एल्यूमिनियम वाला देख लो, ये सारे हेक्सागोनल, जिंक कैडमियम मैग्नीशियम, ठीक है। और जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिलेट है ना, ये सॉलिड के, तो वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।